तो अभी तक हम ये जानते थे कि हम इंटीग्रल सरफेस कैसे फाइंड करते हैं अगर वो किसी गिवन कर्व से पास हो रहा है. ओके, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन और वट एवर यू से. तो हमें क्या करना है अब कि एक ऐसा सरफेस निकालना है जो ऑर्थोगनल हो सिस्टम ऑफ सरफेसेस का. इसका मतलब क्या हुआ, एक हमारे पास सिस्टम ऑफ सरफेसेस है, मतलब इस तरह का एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी. अब हमें एक ऐसा सरफेस निकालना है जो कि इस सिस्टम ऑफ सरफेस के हर सरफेस को राइट एंगल पे कट करें. दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस वन. तो यहां पर हम सी कहेंगे, सी इज अवर पैरामीटर. तो सी की अलग अलग वैल्यू के लिए आपको एक सरफेस मिलता जाएगा. ओके, और एक हमें ऐसा सरफेस निकालना है जो कि राइट एंगल पे कट हो. ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमारी जो जो इक्वेशन थी दैट इज कैपिटल पी स्मॉल प्लस स्मॉल कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल टू आर, ये हमारी जो जो हमारी क्वासी लिनियर पार्शियल डिफरेंशियल थी, तो ये हमारी अब किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, तो जो कैपिटल पी होगा उसका दैट विल बी डेल एफ ओवर डेल एक्स. ओके, डेल एफ ओवर डेल एक्स स्मॉल पी प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई स्मॉल क्यू इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल जेड. तो यहाँ पर कैपिटल पी कैपिटल क्यू एंड कैपिटल आर हमारे इससे रिप्लेस हो गए. तो अगर हमें सरफेस ऑर्थोगोनल टू एवरी सरफेस निकालना है वन के, मान लीजिए कि हमने इस इक्वेशन को वन लिया, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन. तो हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी दैट इज डी एक्स डिवाइडेड बाई डेल एफ ओवर डेल एक्स इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल टू डी जेड डिवाइडेड बाई डेल एफ ओवर डेल जेड. दैट्स अ वेरी सिंपल. नाउ अब क्या करना होगा आपको, तो एक सरफेस हमें गिवन होगा, उससे हम डेल एफ ओवर डेल एक्स कैलकुलेट करेंगे, डेल एफ ओवर डेल वाई कैलकुलेट करेंगे, डेल एफ ओवर डेल जेड कैलकुलेट करेंगे, लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बाय मल्टीप्लायर और एनी अदर मेथड जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो. ओके, सो अब इसका एक हम क्वेश्चन करते हैं किसी किस तरह से उसको हम सॉल्व करेंगे. तो एक प्रॉब्लम है दैट इज यू हैव टू फाइंड द सर्फेस विच इंटरसेक्ट द सर्फेस ऑफ सिस्टम. एक सिस्टम हमारे पास दिया है दैट इज जेड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी टाइम्स थ्री जेड प्लस वन. अब देखिए इसका आपको क्या करना है कि आपको सरफेस निकालना है विच इज ऑर्थोगोनल टू दिस सिस्टम. ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको एक इक्वेशन हमने दिया नाम, तो इससे हम सी की वैल्यू निकालेंगे बिकॉज हम एफ एफ एक्स प्लस एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड को इस फॉर्म में लिखेंगे इक्वल टू सी. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी जेड टाइम्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई थ्री जेड प्लस वन इक्वल टू सी, और इसी को हम एफ मान लेते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई जेड. तो ये हमारा एफ हमने एज्यूम कर लिया. ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालेंगे, डेल एफ ओवर डेल वाई निकालेंगे, डेल एफ ओवर डेल जेड निकालेंगे और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो एक एक करना शुरू करते हैं. तो डेल एफ ओवर डेल वाई डेल एक्स को हम कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स, इस तरह से लिखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव को. तो एफ डेल एफ ओवर डेल एक्स, तो एक्स के अलावा बाकी सारे को कॉन्स्टेंट रखेंगे, तो ये हो जाएगा जेड डिवाइडेड बाई थ्री जेड प्लस वन. इन द सिमिलर वे एफ वाई जो होगा दैट इज ऑल्सो जेड डिवाइडेड बाई थ्री जेड प्लस वन. नाउ एफ जेड, क्योंकि हम एफ जेड कैलकुलेट, तो एक्स प्लस वाई हमने बाहर ले लिया और इसमें हम क्वोशेंट रूल अप्लाई कर देंगे. तो हो जाएगा थ्री जेड प्लस वन माइनस जेड, और थ्री जेड प्लस वन का दोबारा होगा दैट इज थ्री हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई थ्री जेड प्लस वन होल स्क्वायर. सो यू कैन लुक वेरी केयरली क्लियरली दैट थ्री जेड और थ्री जेड कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस थ्री ये वाला टर्म कैंसिल हो गया. तो हमारे पास एफ जेड की जो वैल्यू आ गई दैट इज एक्स प्लस वाई अपॉन थ्री जेड प्लस वन स्क्वेयर, ये हमारे पास टर्म आ गया फाइनल. तो एफ एक्स एफ वाई एफ जेड है, लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करते हैं, तो डी एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स मतलब पार्शियल डेरिवेटिव. तो ये हमारे पास है जेड डिवाइडेड बाई थ्री जेड प्लस वन, डी वाई डिवाइडेड बाई जेड डिवाइडेड बाई थ्री जेड प्लस वन, डी जेड डिवाइडेड बाई दैट इज एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई थ्री जेड प्लस वन स्क्वायर, ये हमारे पास आ गई वैल्यू. ओके राइट ना, अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले दो एक्सप्रेशन को अगर आप लेंगे तो आपको मिलेगा डी एक्स इक्वल टू डी वाई, यानी कि एक्स माइनस वाई ये कॉन्स्टेंट मिल गया सी वन. ओके,
दूसरे केस में हम क्या करेंगे, हमें मल्टीप्लायर चूज करने को। तो आप ध्यान से देखिए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसमें एक्स की कमी है, इसमें वाई की कमी है, तो हमारे पास ये पूरा मिल जाएगा हमको। लेकिन इसमें हमारा जो है वो कम हो रहा है, दैट इज किससे कम होगा ये देखना होगा। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन होगा, डी एक्स डिवाइडेड बाई जेड 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 अपॉन 3z+1 अपॉन 3z+1, तो क्या होगा इसमें, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो डी एक्स डी वाई आ गया। अब डी, अब इनको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जो मल्टीप्लायर होंगे वो हम देखते हैं क्या मल्टीप्लायर होंगे। तो एक तो हमारा एक्स डी एक्स मिल जाएगा, तो एक्स मल्टीप्लायर बनेगा वाई मल्टीप्लायर, पहले एक्स और वाई को सोच लेते हैं, फिर हम तीसरे को ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएगा। तो एक्स से जरा मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स जेड डिवाइडेड बाई 3z+1 एंड वाई जेड डिवाइडेड बाई 3z+1। अब देखिए इसमें एक्स प्लस वाई है, इसका मतलब इसको जेड की जरूरत है, और इसको 3z+1, एक 3z+1 की जरूरत, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो ये इससे कैंसिल हो सकता है। तो हमने, हमारे पास जो मल्टीप्लायर बनेगा दैट इज माइनस ऑफ जेड 3z+1 डिवाइडेड बाई 3z+1 होल स्क्वायर। ये जो लैग्रैंज मल्टीप्लायर मेथड है, ये आप क्वासिलिनियर का मैंने सॉल्यूशन जो बताया उसको देखने के बाद ही आपको ये क्लियर होगा, अगर ये नहीं क्लियर हो रहा है तो। तो ये हमारे यहाँ प्लस साइन हो गया, तो एक्स वाई और माइनस जेड टाइम्स 3z+1 हमारे मल्टीप्लायर हो गए, तो ये हमारे मल्टीप्लायर हो गए, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे ये मल्टीप्लायर हो गया। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस जेड मल्टीप्लाइड बाई 3z+1 dz=0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसको जस्ट आपको इंटीग्रेट करना है। तो दिस विल गिव यू x²/2 + y²/2, और ये क्या हो जाएगा, -3z², तो -3 और जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन z³/3, और माइनस जेड होगा तो -z²/2 हो जाएगा, दैट विल गिव यू अनदर कॉन्स्टेंट, लेट अस अज्यूम दैट इट इज के। नाउ टेक एलसीएम, तो 2 हमने ले लिया, तो 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x²/y² + y² - z³। लेकिन ये 2 उधर आ जाएगा, तो -2z³ = 2k, और 2k को मैं C2 ले लेता हूँ। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन देखिए आ गया, C1 की वैल्यू मिल गई हमें, दैट इज x - y = C1, और x²/y² - 2z³ - z²= C2, ये हमें सॉल्यूशन मिला। तो इस सॉल्यूशन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हम लिखते थे क्योंकि दो कांस्टेंट हमें निकलते, तो एक एक जो है वो दूसरे के फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस हो, यानी कि x²/y² - 2z³ - z² कैन बी एक्सप्रेस एज फंक्शन ऑफ x - y। ये जब हम सॉल्यूशन निकालते थे क्वासी लीनियर का, तो उसमें मैंने आप वहाँ पर बताया था कि हम किस तरह से इसको एक्सप्रेस करते हैं इन सम इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन। अब दूसरी बात, अगर मान लीजिए इसमें कंडीशन गिवन हो, तो आप डायरेक्टली इसमें कंडीशन इम्पोज करेंगे, अगर तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी तो ये हमारे पास क्या आया, जनरल सॉल्यूशन आया, तो अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा जाए तो आपको एक कर्व वगैरह दिया होगा, तो कर्व आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो रिमेंबर माई पॉइंट, वेन एवर, तो जब भी आपको पूछा गया है कि किस तरह, क्या पूछा गया एग्जैक्टली, जनरल सॉल्यूशन पूछा गया है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा गया है तो आपको कंडीशन दिया होगा, मतलब कर्व दिया होगा, तो कर्व आपको इसमें लाई कराना होगा, जिससे आपका आर्बिटरी फंक्शन जो है वो रिमूव हो जाएगा। ऑलराइट,